हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो। और इस वीडियो को थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। ये वीडियो मेनली उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मस्ट हैव गैजेट्स फॉर हेल्थ, जो कहीं ना कहीं हम सभी के घर में होने ही चाहिए, क्योंकि आजकल लोग अपने बिजी शेड्यूल के चलते अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर प्रॉपर मेडिकल एड लेना ही चाहिए, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी डिवाइसेस बताने वाला हूँ वो सारे ही प्राइमरी लेवल पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी डिवाइसेस बताने वाला हूँ उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि उनके यूजेस वगैरह और भी बहुत कुछ। और इन सारे डिवाइसेस का बैंक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपको इन डिवाइसेस में से किसी की भी नीड लगती है तो आप उसे इजीली यहीं से बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर लगाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर लगाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर 5th डिवाइस की तरफ, जो कि है ग्लूकोमीटर। और अगर आपको इस डिवाइस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये डिवाइस आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करता है, जिसे हम शुगर लेवल भी कहते हैं। और ये डिवाइस मेनली उन लोगों के लिए है जिन्हें डायबिटीज है, और डायबिटीज इंडिया में आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। मोस्टली फैमिलीज में किसी ना किसी को ये दिक्कत होती है, तो इस डिवाइस का यूज करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से उसे कंट्रोल भी रख सकते हैं। और मैं आपको जो ग्लूकोमीटर सजेस्ट करूंगा वो है डॉक्टर मॉर्फिन का ग्लूकोवन, और इसका जो प्राइस है वो है 695 रुपीज़। और इस ग्लूकोमीटर को सजेस्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले ग्लूकोमीटर्स में से एक है, और साथ ही इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपको कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको मिलता है एक ग्लूकोमीटर, 50 स्ट्रिप्स और एक ये पेन जैसा कुछ जिससे आप अपना ब्लड निकाल सकते हैं। और ये बायोसेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है। इसी के साथ ही ये काफ़ी फास्ट भी है, ये आपको 5 सेकंड्स के अंदर आपकी रिपोर्ट दे देता है। बाकी ये आपकी 300 टेस्ट तक की रिपोर्ट को सेव कर सकता है, और साथ ही इसमें टेस्ट करने के लिए आपको 5 माइक्रोलीटर्स ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी कम होता है। और साथ ही इसके साथ आपको एक यूज़र गाइड भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करें कि किन लोगों को ये परचेज करना चाहिए, तो आपको या आपके घर में किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि हमारा शुगर लेवल अचानक से ही अप और डाउन होने लगता है, और तब हमें इतनी आसानी से मेडिकल एड भी नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर उसको इसकी नीड है तो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर 4th गैजेट की तरफ, जो कि है एक स्टीमर वेपराइजर। और अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब कई लोग सोचेंगे कि वो तो हम पानी को गैस पर गर्म करके भी कर सकते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पानी को बहुत जल्दी स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है और साथ ही आपकी गैस भी। और अब अगर मैं इसके यूसेज के बारे में बताऊँ तो इसे हम सभी लोग परचेज कर सकते हैं। इसे हम मेनली 2 कामों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको कफ या कोल्ड है तो आप इसकी स्टीम से ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही हम इसको फेशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक काफी कॉमन चीज है, क्योंकि ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसे कभी कफ या कोल्ड ना होता हो, और साथ ही आप इसे फेशियल भी कर ही सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस वेपोराइजर के बारे में जो कि मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, और जिसका नाम है एसबॉब 3-in-1 स्टीम वेपोराइजर। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका जो प्राइस है वो है 279 रुपीज़। तो अगर इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है, और इसके जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है। इसके नीचे की तरफ आपको एक कंटेनर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर की आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आपको 3 यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि है एक फेशियल यूनिट और 2 नेजल यूनिट्स। और अगर बात करें इसके वायर की क्वालिटी की, तो इसके वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी सही है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1.25 मीटर्स, और इसका एक 1 मीटर लेंथ वाला वर्जन भी आता है, जो कि आपको इससे 10 रुपये सस्ता पड़ जाएगा। और ये एसबॉब जो ब्रांड है वो इंडिया की टॉप सेलिंग स्टीमर वेपराइजर ब्रांड है, तो आप इस पर आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आपको इसका यूज़र गाइड भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसको यूज़ कैसे करना है। बाकी अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसको हर कोई ले सकता है, क्योंकि ये कफ कोल्ड वगैरह तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये हर घर में किसी ना किसी को होती हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बच्चों को काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर 3rd डिवाइस की तरफ, जो कि है एक पल्स ऑक्सीमीटर। और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है, साथ ही आपके पल्स रेट को भी मॉनिटर करता है। और इस डिवाइस का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि कोरोना में लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो थी ऑक्सीजन की। तो इस डिवाइस में लोग आसानी से चेक कर सकते थे कि उनके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल ठीक है या फिर नहीं। बाकी ये डिवाइस उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपके हार्ट रेट को भी मॉनिटर करता है।
और इसी के साथ अगर आपको लंग्स या फिर ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तब भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस ऑक्सीमीटर की जो मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ। ये जो ऑक्सीमीटर है वो है डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से और इसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट प्रोफेशनल पल्स ऑक्सीमीटर। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो करीब 1700 रुपीज़ के आसपास ही है। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है बट इसके अंदर आपको रीडिंग एकदम एक्यूरेट देखने को मिलती है। और अगर आपको नहीं पता कि एक ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसे अपनी फिंगर पर पहनते हैं तो ये ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड तक एक लाइट बीम भेजता है जो कि आपके ब्लड को पास करती हुई आती है। तो जब वो लाइट नीचे वाले पार्ट से टकराती है तो वहां पर लगे हुए सेंसर्स उसके सैचुरेशन को मेजर कर लेते हैं जिससे कि उसे आपके ब्लड का कॉम्पोजिशन पता लग जाता है। और इस ऑक्सीमीटर की खास बात यह है कि आपकी वीकेस्ट पल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है जो कि काफी सारे ऑक्सीमीटर्स नहीं कर पाते। साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाती है IP22 की वाटर रेटिंग जो कि इसको हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश से भी बचा कर रखती है। तो अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये भी एक काफी यूजफुल डिवाइस है और अगर आपके घर में कुछ एडल्ट्स हैं तो ये उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि हार्ट और लंग्स वगैरह वाली दिक्कत मोस्टली उन्हें ही होती है। तो ये भी एक काफी यूजफुल डिवाइस है तो आप इसे भी बिना किसी दिक्कत के बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नंबर सेकंड डिवाइस की तरफ जो कि एक थर्मामीटर। और कोविड से पहले अगर हमारे सामने कोई थर्मामीटर बोलता था तो हमारे माइंड में सबसे पहले वो लंबे वाले जीप के नीचे लगाने वाले थर्मामीटर आते थे बट ये जो बंदूक जैसी चीज है वो काफी सारे लोगों ने कोविड आने के बाद ही देखी होगी। और अगर आप अपने घर के लिए थर्मामीटर ले रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी थर्मामीटर ले सकते हैं बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्टेक्ट लेस थर्मामीटर की। साथ ही मैं कॉन्टेक्ट वाले थर्मामीटर का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप अपने लिए दोनों में से कोई भी थर्मामीटर परचेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं जिस थर्मामीटर की बात करूंगा वो है वेंडलेस की तरफ से और उसका प्राइस है 1249 रुपीज़ और इसका जो नाम है वो है वेंडलेस इन्फ्रारेड थर्मामीटर। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एक थर्मामीटर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है क्योंकि थर्मामीटर्स तो हम सभी बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं चाहे वो मरकरी वाले हों या फिर डिजिटल वाले। बाकी इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो ये आपको 1 सेकंड के अंदर रिजल्ट देता है। साथ ही इसके अंदर आपको फीवर अलार्म भी देखने को मिलता है। उसी के साथ ही ये टेम्परेचर के हिसाब से अपना कलर भी चेंज करता है जो कि एक काफी सही फीचर है। और उसी के साथ आपको इसमें कॉन्टेक्टलेस मेजरमेंट मिलता है जो कि आपको वायरस वगैरह से बचा सकता है। साथ ही ये इजी टू यूज भी है और इसके अंदर आपको रिजल्ट्स भी बहुत एक्यूरेट मिलते हैं। तो अब अगर इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो आपके घर में एक थर्मामीटर तो होना ही चाहिए। ये तो एक काफी इसेंशियल चीज है क्योंकि फीवर तो कभी भी किसी को बिना बताया सकता है। आप चाहें तो कॉन्टेक्ट लेस भी ले सकते हैं या फिर आप कॉन्टेक्ट वाला भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी नीड्स और बजट के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर फर्स्ट डिवाइस की तरफ जो कि एक बीपी मॉनिटर। और ये भी सभी के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल डिवाइस है। ब्लड प्रेशर भी आज के टाइम में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और एक एज के बाद हर किसी को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। और कॉमन प्रॉब्लम सोचकर इसको आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि एक काफी डेंजरस प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपके घर में एक अच्छा ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेकर आया हूं वो है ओमरोन की तरफ से और उसका नाम है ओमरोन HEM 7120 और इसका जो प्राइस है वो करीब 2100 रुपीज़ के आसपास है। और ये भी एक काफी अच्छा और ट्रस्टवर्दी बीपी मॉनिटर है। इसके अंदर आपको हार्ट बीट डिटेक्शन, हाइपरटेंशन इंडिकेटर और बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ ही ये इजी टू यूज भी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसको यूज कैसे करना है। बाकी इसके भी कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि ये भी एक काफी ज्यादा जरूरी डिवाइस है और ये भी हर घर में होना ही चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।